अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी कंसर्न्स। ब्यूटी कंसर्न्स में मैं आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त क्लिंजर लेके आई हूँ जिसको हम वाइटनिंग क्लिंजर भी कह सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको किसी भी ब्रांडेड क्लिंजर से भी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। ये आपने घर में ही बनाना है। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको घर की ही चीज़ों से, जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी से कुछ ऐसी स्किन प्रोडक्ट्स बनाना बताऊँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो किचन की ही चीज़ों से, और आपकी जो स्किन है वो ना सिर्फ ग्रो करे, ग्लास स्किन हो, आपकी पिगमेंटेशन, प्लाज्मा स्कार्स, ओपन पोर्स, इन सब से आपका छुटकारा मिल जाए और आपको फेशियल करवाने के लिए किसी पार्लर नहीं जाना पड़े, बल्कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े, बल्कि घर में ही, घर की ही चीज़ों से, किचन की ही चीज़ों से मैं आपको इस तरह यूटिलाइज़ करना बताऊँगी। आप इसको इस तरह यूटिलाइज़ करके अपनी स्किन प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं घर की ही चीज़ों से। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त होम क्लिंजर लेके आई हूँ जिसको आप क्लिंजर, जिससे आप क्लिंजिंग करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ना सिर्फ ब्राइट होगी बल्कि आपकी स्किन के जितने भी सारे साइज हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। चलें जी, हम आज की ये जो रेमेडी है इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मिल्क चाहिए। मिल्क चाहिए यानी कि जो दूध होता है, आपने दूध ले लेना है, इसमें खुला दूध, आप घर में जो दूध यूज़ करते हैं वही आप दूध ले लें इसके अंदर। और इस दूध के अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, इतना। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्लिंजर, और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी वगैरह या बहुत सेंसिटिव स्किन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कोई नुकसान नहीं होगा इस क्लिंजर से। मिल्क के अंदर आपने ये जो नमक है इसको अच्छे से घोल लेना है, और फिर आपने आपका फेवरेट जो भी कोई क्लिंजर होगा या फेस वॉश होगा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब आपने इसके अंदर ऐड करना है ग्लूकोज, तकरीबन आधा चम्मच आपने इसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर देना है इस तरह से। और अब आपने इसके अंदर ऐड करना है हनी यानी कि शहद, शहद के चंद ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। चलिए जी, इनको मिक्स कर लें। हमें इनको मिक्स कर लेना है, और एंड में हमने इसके अंदर ऐड करना है अलसी पाउडर। और इसको मिक्स कर ले। इसके अंदर आप बीट रूट जूस या बीट रूट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे आप अपनी स्किन की क्लिंजिंग करें, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, किसी भी फेशियल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आप रेगुलर ये क्लिंजिंग स्टार्ट करते हैं तो दूध की तरह आपका कलर हो जाएगा। कितना ही आपका कलर डिस्कलरेशन क्यों है नहीं है आपके फेस पर, हैंड्स एंड फिट पर, सब पर, आप फुल बॉडी क्लिंजिंग भी कर सकते हैं इससे, तो आपकी जो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें।